माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा आपने मेरा प्रीवियस लेक्चर देखा था, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज और साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं प्रिपरेशन, कैसे मोनोसैकेराइड्स का प्रिपरेशन होगा जिसमें आपको पढ़ना है प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज। बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन, और उसी ग्लूकोज की बात करेंगे आज हम लोग। आपको एनर्जी देने जा रहा हूं, क्योंकि ग्लूकोज हो चाहे फ्रक्टोज हो, कार्बोहाइड्रेट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, तो आपको एनर्जी भी मिलेगा जैसे जैसे मैं कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ाता जाऊंगा। लेकिन आपसे कुछ बातें भी करना चाह रहा हूँ। आप लोगों का कमेंट मैं देख रहा हूँ, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आ रहे हैं। मुझे नहीं पता आप कहाँ से मेरे से जुड़े हो, किस जगह से आप जुड़े हुए हो, लेकिन आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। जैसे अनंत लिखता है कि सर आपके जैसा ऑर्गेनिक का कोई टीचर नहीं हो सकता। थैंक यू सो मच अनंत, ऐसे आप अप्रिसिएट करते रहिए। आईडी ड्रीम को है, इन्होंने अपने चैनल को बनाया हुआ है, वो भी लिखते हैं कि सर आपने बहुत लेट किया वीडियो डालने में, नहीं तो आपसे बेहतर कोई नहीं बना सकता। लेकिन खैर कोई नहीं सर, आजकल बच्चे एग्जाम में बिजी हैं, पर आपका वीडियो बहुत ज़्यादा देखा जाएगा ऐसा मैं उम्मीद कर रहा हूँ। थैंक यू, बहुत बहुत थैंक्स, आपने बहुत अच्छे कमेंट मुझे दिए हैं। ऐसे ही आप लोग मुझे अप्रिशिएट करते रहिए और मैं आपके लिए वीडियो बनाता रहूँगा। आप अपने फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, मैसेंजर पे अगर थोड़ा समय निकाल सकें तो मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आपका सपोर्ट ऐसे बना रहेगा, सब्सक्राइब भी करना है और हर एक वीडियो को लाइक देना है। ऐसे ही आप सपोर्ट कीजिए, मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर देने जा रहा हूँ। तो आज मैं डिस्कस कर रहा हूं आपसे प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज। प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज, अगर आप प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज देखेंगे, कंडीशन क्या केस बनना चाहिए। सबसे पहले प्रिपरेशन के अंदर फर्स्ट कंडीशन लिखने जा रहा हूं मैं। फर्स्ट प्रिपरेशन आपको लिख रहा हूं फ्रॉम सुक्रोज, ये लिख रहा हूं फ्रॉम सुक्रोज। अगर सुक्रोज देखेंगे, सुक्रोज का फॉर्मूला आप देखते हैं C12H22O11, ये सुक्रोज है। आप सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस कीजिए। मैं आपको कंडीशन आगे डिस्कस भी करूंगा और बताया भी था क्लासिफिकेशन के अंदर कि अगर आप क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स देखेंगे तो कार्बोहाइड्रेट्स को डिवाइड किया गया है मोनोसैकेराइड्स, ऑलिगोसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स। तो अगर आप देखेंगे कंडीशन, तो एग्जांपल ऑलिगोसैकेराइड्स में ये डाइसैकेराइड्स का एग्जांपल है और डाइसैकेराइड्स दो मोनोसैकेराइड्स यूनिट से मिलकर बने हैं। अगर आप उसको हाइड्रोलाइज करेंगे तो ये ब्रेक डाउन हो जाएगा दो मोनोसैकेराइड यूनिट में। सो जब भी आप सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस करेंगे, सुक्रोज के हाइड्रोलाइसिस से बनेगा C6H12O6 और ये दूसरा बॉन्ड बनेगा C6H12O6। दोनों सेम कंडीशन है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लेकिन अलग स्ट्रक्चर है। ये कंडीशन जो आप देखेंगे ये ग्लूकोज है और ये कंडीशन जो आप देख रहे हैं वो फ्रक्टोज है। मैंने आपको बताया था कंडीशन कि ग्लूकोज में एल्डिहाइड एज अ फंक्शनल ग्रुप है और फ्रक्टोज में कीटोन एज अ फंक्शनल ग्रुप है। सो बोथ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर फंक्शनल आइसोमर टू ईच अदर। क्लियर, देखिएगा ध्यान से। तो आपके पास इस तरह से ग्लूकोज का प्रिपरेशन हुआ फ्रॉम सुक्रोज। क्लियर है। सेकंड कंडीशन आपको दे रहा हूं, ये क्वेश्चन तो एक तो ये दिख रहा है, एक ये भी डायरेक्टली पूछता है व्हाट इज द हाइड्रोलाइसिस प्रोडक्ट ऑफ सुक्रोज, सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस प्रोडक्ट क्या होगा। सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस प्रोडक्ट होगा ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। क्लियर है। अब देखिएगा कंडीशन, नेक्स्ट लिख रहा हूं कंडीशन फ्रॉम स्टार्च। अगर आप स्टार्च से कंडीशन देखेंगे तो स्टार्च का कंडीशन क्या बनेगा। स्टार्च का कंडीशन बनता है C6H10O5 और इसका हॉलेन। इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि स्टार्च मोनोसैकेराइड्स नहीं है, ऑलिगोसैकेराइड्स भी नहीं है, स्टार्च जो है वो पॉलीसैकेराइड्स है। ये क्या है, पॉलीसैकेराइड्स। और पॉलीसैकेराइड्स अगर होंगे तो मोर देन 10 यूनिट ऑफ मोनोसैकेराइड्स कंबाइन करेंगे। बोलो क्लियर है। तो ये पॉलीसैकेराइड्स है, अगर आप इसको तोड़ेंगे, इसका n नंबर ऑफ वाटर में हाइड्रोलाइसिस करेंगे, तो जब भी इसका हाइड्रोलाइसिस होगा तो ये n नंबर ऑफ ग्लूकोज बनेगा, n टाइम्स ग्लूकोज का फॉर्मेशन करेगा, मतलब ये C6H12 पर O6 बनेगा। तो इस तरह से आपको ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनता दिखेगा, इस तरह से आपको ग्लूकोज का प्रिपरेशन होता दिखेगा। तो ये दो कंडीशन आपके पास है प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज। अब मैं लिखने जा रहा हूं आपको प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज। अगर आप प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज देखेंगे, क्या क्या प्रॉपर्टीज है ग्लूकोज का समझिएगा ध्यान से, मैं अलग अलग कंडीशन आपको बताऊंगा। सबसे पहला कंडीशन लिख रहा हूं कंडीशन आपको प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज। क्लियर है, ध्यान दीजिएगा कंडीशन ध्यान से, बड़ा इंपॉर्टेंट कंडीशन, ठीक है ना। हाँ, बड़ा इंजॉय करके आपको पढ़ाना चाह रहा हूँ क्योंकि बहुत मजा आता है आपके साथ। धीरे धीरे आप लोगों से कंडीशन इतना अच्छा होता जा रहा है कि लग रहा है कि कुछ और बनाता जाऊं। आप लोग बहुत बढ़िया बढ़िया कमेंट देते हो और बोलते भी हो। एक बच्चे ने बोला कि सर मैं आपका हर एक वीडियो शेयर करता हूं, क्यों नहीं करेंगे, मैं भी तो आपके लिए इतना मेहनत करता हूं।
कंडीशन तो चाहिए ना, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, विश्वास कीजिए आने वाला टाइम में आपको बहुत अच्छे अच्छे वीडियो देने जा रहा हूँ। देखना ध्यान से प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज, अगर आप ग्लूकोज की प्रॉपर्टी देखेंगे तो क्या कंडीशन बनेगा हमारे पास, ग्लूकोज की प्रॉपर्टी में डिफरेंट कंडीशन बनेगा हमारे पास। क्या डिफरेंट कंडीशन, जैसे फर्स्ट कंडीशन लिख रहा हूँ ग्लूकोज की प्रॉपर्टी, रिएक्शन विद एच आई, बड़ा इंपॉर्टेंट कंडीशन समझिएगा ध्यान से, रिएक्शन विद एच आई। अगर आप रिएक्शन एच आई के साथ करेंगे क्या कंडीशन बनेगा एच आई के साथ रिएक्शन कराने से, जैसे आप ग्लूकोज लिखते हैं तो सबसे पहले आप ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, यह है सी एच ओ, यह है दो तीन चार पाँच और ये छः कार्बन। अगर आप यहाँ देखेंगे कंडीशन ओ एच, ये ओ एच है, ये कंडीशन आपके पास एच है, ये कंडीशन ओ एच है, ये ओ एच है, ये ओ एच है, ये कंडीशन ओ एच है और ये ओ एच है और ये सी एच टू और ये ओ एच है, क्लियर है। अगर आप इसका रिएक्शन एच आई के साथ करते हैं तो एच आई रिडक्शन शो करता है, रिड्यूसिंग एजेंट शो करता है, इसको कंप्लीट रिड्यूस कर देगा और कंप्लीट रिडक्शन अगर करेगा तो एल्डिहाइड के कंप्लीट रिडक्शन से भी एल्केन बनता है और अल्कोहल के भी रिडक्शन से एल्केन बनता है, मतलब ये 6 कार्बन का एल्केन बनेगा और 6 कार्बन का एल्केन बनेगा तो बनेगा CH3 CH2 CH2 और CH2 और CH2 और ये CH3 बनेगा, मतलब ये एन हेक्सेन का फॉर्मेशन करेगा। सो एन हेक्सेन का फॉर्मेशन होना इन प्रेजेंस ऑफ एच आई ये प्रूव करता है कि ऑल कार्बन्स इन ग्लूकोज आर कनेक्टेड इन स्ट्रेट लाइन चेन, क्लियर है, ऑल 6 कार्बन जो है वो कनेक्ट है किसमें, स्ट्रेट लाइन में। पहला कंडीशन तो ये हुआ रिएक्शन विद एच आई। अब सेकेंड कंडीशन आपको बता रहा हूं रिएक्शन विद ब्रोमीन वाटर। सेकेंड थिंग जो इसमें मैं डिस्कस करने जा रहा हूं आपसे वो है रिएक्शन विद ब्रोमीन वाटर। सेकेंड कंडीशन देखिएगा, रिएक्शन विद ब्रोमीन वाटर, अगर आप ब्रोमीन वाटर के साथ इसका रिएक्शन करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, आप जितने रिएक्शन बताऊंगा इसी में केमिकल रिएक्शन इसका बनेगा, इससे ज्यादा कंडीशन नहीं बनेगा, लेकिन समझिएगा पहले ध्यान से क्या बोलने जा रहा हूँ। अगर आप ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे, जैसे आप ग्लूकोज बना लीजिए, आप ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर अभी आप देख रहे थे, ये है ग्लूकोज का कंडीशन आपके पास, OH और ये CH2OH, ये कंडीशन आपके पास हो गया ग्लूकोज। अगर आप ग्लूकोज को देखेंगे तो ब्रोमीन वाटर जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह करेगा तो एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर देगा कार्बोक्सिलिक एसिड में, तो एल्डिहाइड को अगर ऑक्सीडेशन करके एसिड बनाया तो ये COOH बना और OH और ये H बना, ये कंडीशन आपके पास OH और ये H बना, ये कंडीशन आपके पास OH और ये H बना, ये कंडीशन बना OH और ये H, ये कंडीशन बना OH और ये H, इस तरह से आपके पास ये कंडीशन बनेगा और जो रिजल्टिंग कंपाउंड ब्रोमीन वाटर के प्रेजेंस में बन रहा है ऑक्सीडाइज होके, ये एसिड है, ग्लूकोज से एसिड बना, ग्लूकोज का एसिड कहलाएगा ग्लूकोनिक एसिड। बोलो क्लियर है कंडीशन, तो आपने दो केमिकल रिएक्शन को देखा, अभी नेक्स्ट डिस्कस करना इसके बाद का कंडीशन देखिएगा ध्यान से। अगला कंडीशन है आपके पास रिएक्शन, लिख रहा हूं कंडीशन रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिल एनायन, रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिल अमीन। क्या है हाइड्रोक्सिल अमीन का रिएक्शन, जरा समझिएगा ध्यान से आप। जैसे लिख रहा हूं आपके पास ग्लूकोज का पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं, यह है सी एच ओ, यह है कंडीशन ओ एच एच, ये कंडीशन है आपके पास ओ एच एच, ये कंडीशन आपको बन रहा है ओ एच और ये एच, ये कंडीशन आपके पास ओ एच एच और ये कंडीशन है ओ एच एच और ये एच, क्लियर है कंडीशन। अब यहाँ क्या कंडीशन बनेगा एक्जेक्टली समझिएगा ध्यान से जरा, अगर आप इसका रिएक्शन हाइड्रोक्सिल अमीन से करते हैं, हाइड्रोक्सिल अमीन मतलब ये अमोनिया लिख रहे हैं एस्ट्रिक, इसमें एच को हटा के ओएच लगा तो हाइड्रोक्सिल अमीन बन गया। अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ सीएचओ को, ये सीएचओ को मैं लिख सकता हूँ सी और ये एच, बात वही है कंडीशन सीएचओ। लेकिन आप एक चीज गौर करो, ये एल्डिहाइड है, मैंने बोला था कंडीशन याद करो कि जब अगर एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, एल्डिहाइड कीटोन में पढ़ाया था, और उसका रिएक्शन इससे करेंगे ये अमोनिया का डेरिवेटिव से है, तो जब भी आप अमोनिया का डेरिवेटिव करते हैं एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होता है, सो यहां से एलिमिनेट होगा कौन, वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा, और अगर वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हुआ तो ये कंडीशन बनेगा सी एच और ये कंडीशन बनेगा डबल बॉन्ड और ये एन और ये ओ एच, ये कंडीशन बनेगा, बाकी अजीब रहेगा कंडीशन ओ एच और ये एच, ये बनेगा कंडीशन ओ एच और ये एच, ये कंडीशन आपके पास बनेगा ओ एच एच, ये बनेगा ओ एच एच, ये बनेगा कंडीशन ओ एच एच और ये कंडीशन बनेगा एच। बोलो क्लियर है, तो हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ रिएक्शन अगर करेंगे तो ये कंडीशन आपके पास दिखाई देगा, क्लियर। इसके अलावा एक कंडीशन आपको बोलने जा रहा हूँ रिएक्शन विद, सुनिएगा ध्यान से, एस सी एम, ये भी
एल्डिहाइड कीटोन का पढ़ाया था कंडीशन, अगर याद होगा तो लिख रहा हूँ रिएक्शन विद HCN। नेक्स्ट कंडीशन आपके पास फोर्थ कंडीशन लिख रहा है, एनसीईआरटी में देखेंगे एक ही साथ लिखा हुआ दो रिएक्शन को, लेकिन अलग अलग करके लिख रहा हूँ ताकि आपको नोट्स बनाने में हेल्प मिले। रिएक्शन विद HCN, ये HCN का कंडीशन है, क्लियर है? तो देखिएगा ध्यान से एक एक कंडीशन को देखिएगा। मेरा पर्पज सिर्फ ये नहीं है कि मैं यूट्यूब से जो है वो अपने आप को फेम दूँ या नेम दूँ। मेरा पर्पज तो मैंने बोला था आपको शुरू में भी कि मेरा यूट्यूब का एक पर्पज है। आपने देखा होगा मैंने अपने हर एक यूट्यूब चैनल के ऊपर हर एक वीडियो के ऊपर एक कंडीशन लिखा है कि आपको विदाउट ट्यूशन जो है वो आप कैसे 100% एनसीईआरटी को पढ़ सकते हैं। तो मेरा पर्पज है कि जो मैं चाहे ट्यूशन एफर्ड नहीं कर सकता वो कैसे पढ़ेगा एनसीईआरटी को, मेरे जैसे लोग ही तो उनको हेल्प कर सकते हैं। तो हमारा ये फर्ज बनता है कि हम उनको हेल्प करें, इसलिए आप लोग भी देखिएगा कंडीशन ध्यान से और जरूर शेयर कीजिएगा आप लोग ज्यादा से ज्यादा, ताकि आपके हर एक फ्रेंड तक ये पहुंच सके और वो इसका लुत्फ उठा सके। देखिए ध्यान से रिएक्शन विद HCN, अगर आप HCN देखेंगे तो यहाँ क्या कंडीशन बनेगा, जैसे कि आपके पास लिख रहा हूँ कंडीशन, आपके पास ये स्ट्रक्चर है, आपके पास इस तरह से OH, H, OH, H, ये लिख रहा हूँ कंडीशन OH, H, ये कंडीशन है आपके पास OH, H, और ये कंडीशन लिख रहा हूँ आपके पास OH, और ये H, और ये H, क्लियर है? ये ग्रुप हो जाए। अगर आप इसका रिएक्शन HCN से करते हैं, HCN से रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा कंडीशन, देखो ये H प्लस ये माइनस, जैसा आपको पढ़ाया था मैंने एल्डिहाइड कीटोन में कि एल्डिहाइड कीटोन का मेन रिएक्शन जो है वो है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, मतलब फर्स्ट स्टेप जो है वो अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल होगा। तो क्या कंडीशन बनेगा, ये कार्बन ऑक्सीजन में ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, पायरोन शिफ्ट करेगा लेस टू मोर, इस पे नेगेटिव चार्ज और इस पे पॉजिटिव, इस पॉजिटिव पे सबसे पहले न्यूक्लियोफाइल CN- अटैक करेगा और देन इलेक्ट्रोफाइल, एक साथ लिख रहा हूं और दो स्टेप रिएक्शन है, पहले न्यूक्लियोफाइल अटैक होगा देन H+ का अटैक होगा, बोलो क्लियर है? तो इस कंडीशन में क्या बनेगा, देखो ये बनेगा कंडीशन C और ये OH, और यहाँ C के ऊपर क्या जुड़ेगा CN, C के ऊपर CN और C के साथ क्या जुड़ेगा ये H, ये कंडीशन H तो है, और इधर आप कंडीशन अगर आप देखेंगे तो ये OH, H और ये कंडीशन बनेगा OH, H, ये बनेगा आपके पास OH, H, ये बनेगा कंडीशन OH, H और ये कंडीशन आपके पास बनेगा 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6 कंडीशन आपके पास बनेगा। ये तो क्लियर है, एक ही कार्बन पे साइनो ग्रुप या हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, इसको साइनोहाइड्रिन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साइनोहाइड्रिन। तो ध्यान रखिएगा एल्डिहाइड कीटोन में अगर आप देखेंगे एनसीईआरटी को तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन में डिफरेंट पार्ट दिया हुआ 10 पार्ट, जिसमें एक शॉर्ट नोट साइनोहाइड्रिन के ऊपर भी है, तो आप चाहे वहां से एग्जाम्पल उठा लीजिए चाहे यहां से लिख लीजिए, आंसर तक आपको पहुंचना है। नेक्स्ट कंडीशन आपको लिख रहा हूं रिएक्शन विद एसिटिक एनहाइड्राइड, रिएक्शन विद एसिटिक एनहाइड्राइड। अगर एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, जैसे ये लिख रहा हूं आपके पास ग्लूकोज है, ये कंडीशन आपके पास ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज है। अगर आप एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करेंगे तो एसिटिक एनहाइड्राइड आप लिखते हैं CH3 CO O और CO और ये लिख रहा हूं कंडीशन CH3, क्लियर है? ये एसिटिक एनहाइड्राइड। अगर आप एसिटिक एनहाइड्राइड देखेंगे तो एक्जेक्टली यहां क्या कंडीशन बनना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन बता रहा हूं, समझिएगा ध्यान से। अगर एसिटिक एनहाइड्राइड का कंडीशन देखेंगे तो यहां जो केस बनेगा आपके पास वो ये CO ग्रुप यहां जाकर जुड़ेगा, कैसे जुड़ेगा CO ग्रुप एनहाइड्राइड के साथ, यहां कार्बन ऑक्सीजन में ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नेगेटिव है, ये पॉजिटिव, ये कंडीशन आएगा। पॉजिटिव पे जुड़ेगा कौन सा पार्ट, नेगेटिव पार्ट जुड़ना चाहिए पॉजिटिव पे, यहां ये H प्लस और ये माइनस का कंडीशन है, ये प्लस यहां चलेगा कंडीशन, तो ये जुड़ेगा यहां पे H प्लस और ये माइनस का कंडीशन जुड़ेगा यहां से जाके, तो CH3 COOH निकलेगा और CO CH3 जुड़ेगा यहां पे, तो ये कंडीशन ऐसा बनेगा आपके पास, ये CHO है और ये कंडीशन H है और ये O है और ये CO CH3 जुड़ेगा, बोलो क्लियर है? ये जुड़ेगा CO CH3, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव जाके जुड़ेगा इस नेगेटिव पे O CO CH3, क्लियर है? और ऐसे हर एक जगह पे कंडीशन होना जितना हुआ है, तो यहां पे कंडीशन सेम बनेगा, ये कंडीशन बनेगा इधर H और इधर बनेगा कंडीशन सेम ये वाला O और CO और ये CH3 बनेगा, क्लियर है? ऐसे नीचे भी बनेगा कंडीशन, ये H और ये बनेगा O और CO CH3 बनेगा, ये कंडीशन ऐसे यहां बनेगा, ये O और CO CH3 ये बनेगा कंडीशन H और एक कंडीशन ऐसा बनेगा आपके पास H
और ये आपके पास आएगा कंडीशन ओ और सीओ और ये कंडीशन बनेगा। तो एग्जैक्टली ये आपको क्या प्रूफ करके देगा, ये प्रूफ करके देगा कि इसमें फाइव ओएच ग्रुप है, तभी तो आपको देख रहे होंगे कंडीशन की पांच मोल इसका जो है वो रिएक्ट कर रहा है। बोलो क्लियर है? सो कितना बोल रहा हूं, फाइव ओएच ग्रुप। ये कंफर्मेटरी टेस्ट है कि इसमें ग्लूकोज के अंदर जो है वो फाइव ओएच ग्रुप है। अगला कंडीशन में लिख रहा हूं आपको रिएक्शन, नेक्स्ट कंडीशन ऑक्सीडेशन विद नाइट्रिक एसिड। नेक्स्ट कंडीशन लिख रहा हूं ऑक्सीडेशन विद नाइट्रिक एसिड HNO3, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अगर आप ग्लूकोज लिखते हैं यह है कंडीशन CHO, और ये कंडीशन मैं लिख रहा हूं CHOH, लिख सकता हूं उसको CHOH, तो आप लिख सकते हैं CHOH का होल फोर, और ये कंडीशन मैं लिख सकता हूं CH2H, क्या लिख सकता हूं CH2H। अगर आप नाइट्रिक एसिड लेते हैं HNO3, ये HNO3, तो HNO3 के प्रेजेंस में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग। ये दो कंडीशन करता है यहाँ पे, क्या दो कंडीशन करेगा समझना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन। HNO3 एक तो ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देता है किसमें, सैक्रिक एसिड, कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा, एसिड बनाएगा, और ये टर्मिनल वाले दोनों ऑक्सीडाइज होंगे, मतलब ये कंडीशन CO OH बनेगा, और बाकी ये CH2 और OH का होल फोर, और ये नीचे वाला जो ग्रुप जो है वो ऑक्सीडाइज होकर CO OH बनेगा, मतलब ये सैक्रिक एसिड का फॉर्मेशन रहेगा, ये सैक्रिक एसिड बनेगा। तो एग्जैक्टली यहां क्या होगा कंडीशन, ये स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग है, पहले ये कंडीशन क्या करेगा, ग्लूकोज को ग्लूकोनिक एसिड में कन्वर्ट करेगा और ग्लूकोनिक एसिड को फर्दर ऑक्सीडाइज कर देगा। जैसे ये कंडीशन आप देखेंगे तो इसको एक स्टेप ऑक्सीडाइज किया तो ये बना कंडीशन COOH, और ये कंडीशन आपके पास आया CHOH का होल फोर, और ये CH2OH, तो ये आपके पास बन गया ग्लूकोनिक एसिड, क्या बना ग्लूकोनिक एसिड, और ये ग्लूकोनिक एसिड फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, और फर्दर जब ऑक्सीडाइज होंगे तो ये टर्मिनल पोजीशन का अल्कोहल भी कंप्लीट ऑक्सीडाइज होकर एसिड बना देगा, मतलब ये सैक्रिक एसिड का फॉर्मेशन करेगा। तो उम्मीद कर रहा हूं कि आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा ये कंडीशन कि हाउ टू प्रिपेयर ग्लूकोज एंड व्हाट इज द केमिकल रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो निश्चित तौर पे आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट करें और लाइक करें, और मेरे नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो।